Click on the subscribe button to never miss an update from Movie Mania channel. देश में राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में उड़ कर जा रही थी। यूं ही एक राज्य से दूसरे राज्य में उड़ते हुए एक दिन अचानक वे एक ऐसे राज्य में पहुंच गए जहां चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। फूल जैसे पौधों पर मुस्कुरा रहे थे और ठंडी ठंडी हवा जैसे उन फूलों को झूला झूला रही थी। सारा वातावरण फूलों की खुशबू से महक रहा था। माँ माँ, मुझे फूलों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ चलो चलो, नीचे चलकर पता लगाते हैं कि ये सुंदर राज्य कौन सा है। चिड़िया को लगा कि ये अनुकूल जगह है, इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ एक घने पेड़ की टहनी पर उतर गई। वहाँ पहले से ही एक चिड़िया अपने परिवार के साथ रह रही थी। चिड़िया बहन, ये खूबसूरत राज्य कौन सा है? बहन, ये राज्य है उज्जैन। कौन है इस उज्जैन राज्य का राजा? इस खुशहाल राज्य के राजा है राजा भोज। क्या राजा भोज अच्छे राजा हैं? हमारे राजा भोज बहुत ही दयालु और न्याय के हैं। इस राज्य में सब मिलजुल कर रहते हैं। धन्यवाद बहन। एक बात और बहन, क्या मैं भी इस पेड़ पर अपना घोंसला बना सकती हूँ? अवश्य बहन, जिस तरह इस महान पेड़ ने मुझे और मेरे परिवार को आश्रय दिया है, ये तुम्हारे परिवार को भी आश्रय जरूर देगा। क्यों पेड़ भैया? चिड़िया बहन, मैं तो इतना विशाल और छायादार बना ही हूँ लोगों को शरण देने के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी छाया और मेरे ऊपर लगने वाले फल का आनंद पूरा संसार ले। चिड़िया बहन, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का स्वागत है। धन्यवाद पेड़ भैया। और इस तरह उस चिड़िया ने भी अपना घोंसला उसी पेड़ पर बना लिया और खुशी खुशी वहाँ अपने नन्हे मुन्नों के साथ रहने लगी। क्यों? ऐसा क्या किया था राजा भोज ने
उन्हें भी एक दिन एक बहुत ही बड़ा आलीशान चमत्कारी और हीरे मोतियों से जड़ा एक सिंहासन मिल गया था। उस सिंहासन में ऐसी शक्ति थी कि कोई भी उस पर बैठकर कभी गलत न्याय नहीं कर सकता था। हमारे राजा भोज ने सोचा कि वे भी उस चमत्कारी सिंहासन पर बैठकर न्याय करेंगे। तो क्या वे उस सिंहासन पर नहीं बैठ पाए? नहीं। ऐसा क्यों? हमारे राजा भोज इतने दयालु, बुद्धिमान और न्यायप्रिय होने के बाद भी उस सिंहासन पर क्यों नहीं बैठ पाए? ऐसी क्या बात थी उस सिंहासन में? ये एक लंबी कहानी है और इस कहानी के अंदर ढेर सारी मजेदार कहानियाँ भी है। कहानी के अंदर कहानी? हाँ। तो फिर सुनाओ ना पीर भैया। हाँ, सुनाओ ना पीर भैया। तो फिर सुनो, इस कहानी की शुरुआत होती है पास के एक गांव से, जहाँ चंद्रभान नाम का एक गदरिया रहता था। रोज सुबह यहाँ अपनी भेड़ बकरियाँ चराने लेकर आता था। अरे अबे आराम से खा, आराम से खा। अब तेरे बाप का ही खेत है बेटे। अरे मेरी चुनबुन, जा जा जा, शाम तक आ जाना। चलो चलो। अपनी सारी भेड़ बकरियों को चरता छोड़कर वो मेरी छाया में इस टीले पर सो जाता था। और जब सुबह से शाम होती थी तो वो उठकर अपनी भेड़ बकरियों को बुलाने लगता। चलो शाम हो गए, अरे अरे आ जाओ, चलो चलो चलो, माँ याद कर रही है। आ मैं चंपा चमेली, अरे कहाँ चली गई? आ जाओ, चलो चलो चलो, अरे सब चलो चलो। उसकी आवाज सुनकर सारी की सारी भेड़ बकरियाँ उसकी तरफ जादू की तरह खींची चली आती हैं। 16, 17, 18, 19। चंद्रभान उनको गिनता था और अपने घर की ओर निकल पड़ता था। और फिर एक शाम की बात है, चंद्रभान सोकर उठा, उसे अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ और वो बाकी गडरियों को जोर जोर से आवाज देकर बुलाने लगा। अबे कोई है यहाँ? कहाँ जाता मर्द तुम? साफ से साफ यहाँ मेरे पास आओ। मैं चंद्रभान तुम्हें बुला रहा हूँ। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे? इज्जत से बात करो। क्या तुम सब भूल गए कि तुम सब इससे बातें कर रहे हो? मैं हूँ चंद्रभान। सभी जानते हैं, पर तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम चंद्रभान कटरिया नहीं इस राज्य के राजा हो। कौन है इस राज्य का राजा? लगता है तू पागल हो गया है। क्या तुम भूल गए किस राज्य के राजा है? राजा भोज। वो अबे वो राजा भोज, वो तो एकदम नलायक राजा है। उसे तो न्याय करना भी नहीं आता है। मैं तुम सबको आदेश देता हूँ, जाओ और ऐसे बेवकूफ राजा को बंदी बनाकर मेरे सामने पेश करो। अरे ये तो गया काम से। अगर सैनिकों ने इसकी बात सुन ली तो इसके साथ साथ हम सभी को पकड़ कर ले जाएंगे। अरे भैया निकल लो निकल लो, नहीं तो इसके चक्कर में हम भी मारे जाएंगे। निकल लो निकल लो। अरे
मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं एक एक को दंड दूंगा, एक एक को। ये मुझे क्या हो गया था? मेरे साथी ठीक कह रहे थे, कहीं मैं सचमुच का पागल तो नहीं हो गया हूँ। चंद्रभान जब अपने गांव पहुंचा तो सब उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे, जैसे उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। चंद्रभान के इस व्यवहार के बारे में सारे गांव को पता चल गया था। इस टीले पर एक ऐसी शक्ति थी कि चंद्रभान जैसा मामूली गडरिया भी यहाँ खड़े होकर ज्ञान और न्याय की बातें करने लगा। अचानक ही वो इतना समझदार और बुद्धिमान हो गया था कि यहाँ बैठकर गांव वालों के झगड़े निपटाने लगा। सारा गांव उसकी न्याय से खुश था। धीरे धीरे सारे गांव में उसके न्याय के चर्चे होने लगे। आस पड़ोस के गांव से भी लोग चंद्रभान के पास आकर न्याय मांगने लगे। ठीक कह रहे हो भैया, आज अगर चंद्रभान नहीं होता तो मुझे मेरा घोड़ा नहीं मिलता। हाँ हाँ हाँ, क्या न्याय किया है? हाँ हाँ, सही न्याय किया है चंद्रभान ने। आज से हम सभी चंद्रभान के पास आएंगे न्याय करवाने के लिए। और फिर एक दिन की बात है, महाराज भोज के दरबार में एक ब्राह्मण न्याय मांगने पहुंचा। अयो महाराज, मैं एक ब्राह्मण जी ब्यावर करके अपनी और अपनी पत्नी का पेट भरता जी। एक दिन व्यापार करने को दूसरे राज्य में गया था जी। मेरे पास कुछ बहुमूल्य बोले तो जी, कीमती जी, कीमती रत्न जी, जिसको मैंने अपने मित्र को रगनी को दिया जी। मैं उसको बोला लौट कर ले जाएंगे जी, और फिर लौटा तो लौटने पर लेने को गया था जी, पर ये मुझे देने को मना करता जी। महाराज ये सच तो बोल रहा है, परंतु अधूरा सच बोल रहा है। मतलब? जाने से पहले इसने मुझे 3 रत्न रखने के लिए दे दिए थे। जब ये कई महीने बाद ना आया तो मैं उन रत्नों को इसकी बीवी को वापस कर आया था। ये यो, इसने मेरे को कोई रत्न नहीं लौटाई। महाराज ये झूठ बोलती। क्या कोई है जो तुम्हारी इस बात को साबित कर सके? जी महाराज, मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ। ये मेरे गांव के मुखिया और ये पुजारी मेरे गांव के मंदिर के। प्रणाम महाराज। जय राम जी की महाराज। महाराज, मैंने 3 रत्न इस ब्राह्मण की पत्नी को लौटाए थे इन दोनों के सामने ही। जी हाँ महाराज, इसने हम दोनों के सामने इस महिला को 3 रत्न लौटाए थे। क्यों पंडित? एकदम 16 आने सच महाराज। एक ब्राह्मण होकर झूठ बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम भरी सभा में अपने इस मित्र से क्षमा मांगो और हरजाने के रूप में 10 सोने के सिक्के इसे दो। अयो महाराज दया करो जी, महाराज दया करो। मैं मेरी पत्नी सच बोल रहे जी, सच बोल रहे। पर आप जी चमक रहे तो एक विनती करने को चाहती जी। आज्ञा है। मैं न्याय के लिए एक बार चंद्रभान के पास जाना चाहती जी। कौन है ये चंद्रभान जो मुझसे राजा भोज से भी कुशल न्याय कर सकता है? महाराज वो एक मामूली सा गडरिया हैगा और बच्चों के बीच में खेल खेलता रहे है। उसकी तुलना आपसे कोई झूठा ही कर सके। आप इस ब्राह्मण की बातों में मत आइए। अये महाराज, चंद्रभान भेड़ बकरी चराती मैं मानती पर न्याय करने के लिए वो समूचा बोले तो जी पूरा राज्य में प्रसिद्ध।
ठीक है हम भी देखते हैं वो क्या न्याय करता है। देव महाराज धन्यवाद बोल दीजिए, मैं चरण पकड़ के बोल दीजिए, मैं मेरी धर्म पत्नी दोनों पकड़ के बोल दीजिए, बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद महाराज। सारा गांव इस किले के सामने जमा हो गया, सब के सब ये देखना चाहते थे कि आखिर चंद्रभान महाराज भोज से अलग क्या न्याय करता है। राजा भोज भी वेश बदल कर वहाँ पहुँच गए, वे भी जानना चाहते थे कि आखिर एक गडरिया उनसे अच्छा न्याय कैसे कर सकता है। क्या बात है, देखते हैं करवाने के लिए। ये पता लगाना सचमुच कठिन है कि कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ। मुखिया जी कोने में। आप ये बताइए कि जो रत्न ब्राह्मण की पत्नी को लौटाए थे वे कौन से रंग के थे और कितने बड़े थे। हाँ, तीनों रत्न नीले रंग के थे और वे नींबू जितने बड़े थे। ठीक है, निकलिए। पंडित जी आप भी कोने में। इस ब्राह्मण की पत्नी को जो रत्न लुटाए गए थे उनका रंग क्या था। लाल रंग के थे। और कितने बड़े थे। कितने बड़े थे, यही कोई चने के दाने जितने। ठीक है, आप जाइए, मैंने पता लगा लिया कि झूठ कौन बोल रहा है। ब्राह्मण और उनकी पत्नी झूठ नहीं बोल रहे, झूठ तुम बोल रहे हो। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। खामोश। हम क्यों झूठ बोलेंगे। राम 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 राम, झूठ और मैं। अरे भैया, मैं तो भगवान का पुजारी हूँ, मुझसे ज्यादा शरीफ तो आपको पूरे गांव में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा। क्यों भाइयों, मैं झूठ बोल सकता हूँ क्या है? पंडित हूँ, पंडित, शुद्ध घी में नहाया हुआ पंडित। अबे पंडित नहीं पोंगा पंडित है तू। मुखिया, गांव के मुखिया होकर झूठ बोले हो, क्या असर पड़ेगा पूरे गांव पर। अपने गांव के बच्चों को क्या यही शिक्षा दे रहे हो कि अपने ही गांव वालों को छल से लूट लो सिर्फ चंद सोने के सिक्कों के लिए। परंतु तुम कैसे कह रहे हो कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। बड़ा होशियार बनता है, अगर इनसे झूठ बुलवाना था तो कम से कम इन दोनों को उस रत्न के रंग और वे कितने बड़े थे ये तो बता दिया होता, ताकि दोनों एक ही झूठ बोल पाते। मुखिया, मुखिया कहता है कि रत्न नीले रंग के थे, ओ नीबू जितने बड़े थे। ये पंडित पंडित नहीं पोंगा पंडित है जो ये कहता है कि रत्न लाल रंग के थे और चने जितने बड़े थे। अगर तूने रत्न इन दोनों के सामने दिए थे तो इन्हें याद क्यों नहीं कि ये रत्न किस रंग के थे और कितने बड़े थे। तुम्हारी चोरी अब पकड़ी गई। क्षमा क्षमा, मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ, इन रत्नों को देखकर मेरे मन में लालच आ रहा था। अब मैं इस ब्राह्मण के तीनों रत्नों को लौटा रहा हूँ। क्षमा क्षमा क्षमा। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे गांव के सामने तुम तीनों को एक दूसरे का कान पकड़कर 100 उठा बैठक लगानी पड़ेगी।
राम 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 100 बार। गलत सुना 200। और जो मान हानि तुमने इज्जतदार लोगों की है उसके लिए तुम तीनों को 100 सोने के सिक्के देने होंगे। अयो क्या न्याय जी। एक दो तीन चार पांच जी। चंद्रमान की जय। चंद्रमान की जय। बेटे कौन है आप? बेटे जिस राज्य के तुम नागरिक हो उस राज्य का राजा मैं हूं। मेरा नाम राजा भोज है। हाँ? महाराज की जय हो। ऐसा न्याय तो केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। तुम भेड़ बकरी चराने वाले तुम ये न्याय कैसे कर लेते हो? महाराज मुझे स्वयं नहीं पता कि मैं ये सब कैसे कर लेता हूँ। जब भी मैं इस टील पर बैठता हूँ मेरे अंदर अपने आप ही ऐसी शक्ति आ जाती है कि मैं कोई भी न्याय कर लेता हूँ। ऐसी क्या बात है इस टीले में? और महाराज भोज ने इस टीले को खुदवाने का आदेश दे दिया। महाराज लगता है यहाँ पर कोई मजबूत चीज गड़ी हुई है। ध्यान से बिना उस चीज को हानि पहुंचाए उसे बाहर निकालो। महाराज महाराज ये देखिए क्या निकला है इस टीले के नीचे से। इस सिंहासन को अच्छे से साफ करके हमारे दरबार में रखा जाए। आज से हम इसी सिंहासन पर बैठेंगे। जो आज्ञा महाराज। और इस विश्वास के साथ महाराज भोज अगले दिन जा पहुंचे अपने दरबार में उस आलीशान सिंहासन पर बैठने। अद्भुत अद्भुत। ये सिंहासन जिस किसी भी राजा का रहा होगा अब मैं इस पर बैठकर उसी राजा की तरह न्याय करूंगा। तुम लोग और इस तरह क्यों हंस रही हो? हम सिंहासन की मूर्तियां हैं और तुम्हारे भोलेपन पर हंस रही हैं। हैं? वो क्यों भला? हे राजा भोज तुम इस सिंहासन पर बैठकर राज करने की इच्छा रखते हो? क्या तुम्हें इस सिंहासन के बारे में मालूम भी है? सोने से बना और हीरे मोतियों से जड़ा ये सिंहासन है सिंहासन बत्तीसी। क्या तुम्हें मालूम है कि ये सिंहासन किसका है? पहले अपने आप को इस सिंहासन पर बैठने के लायक तो बना लो महाराज, फिर इसकी तरफ अपने पाँव बढ़ाना। मैं सबसे अधिक बुद्धिमान सबसे अधिक दयालु और सबसे अधिक शक्तिशाली राजा हूँ। इस पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई भी राजा नहीं
जो इन तीन गुणों में मुझसे बराबरी कर सके। परंतु उस राजा के टक्कर में आपके ये सारे गुण फीके पड़ रहे हैं, जिन्होंने इस सिंहासन पर बैठकर कई वर्षों तक राज किया। वे तो हर रूप में सर्वोत्तम थे। कौन थे वो राजा? कौन थे वो राजा? मुझे उनका नाम बताओ। ऐसे सर्वश्रेष्ठ राजा को जानना इतना आसान नहीं है। हे देवियों, तुम लोगों की बातों ने मेरे मन को बेचैन कर दिया है, और तब तक मेरे इस मन को शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं इस सिंहासन बत्तीसी के पीछे छिपे रहस्य को जान नहीं लेता। मेरी तुम सबसे विनती है, इस सिंहासन के सत्य को उजागर कर मेरे मन में उठ रहे सवालों के सागर को शांत करो। हे देवी, कौन हो तुम? राजन, मेरा नाम रत्न मंजरी है, और हम जिस सर्वश्रेष्ठ राजा की बात कर रहे हैं, वो सर्वशक्तिमान, दयालु और बुद्धिमान राजा थे, राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य? मैं आपको ऐसे शूरवीर राजा के जीवन से ली हुई एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनने के बाद आप स्वयं फैसला कर लीजिएगा कि आप इस सिंहासन पर बैठने के लायक हैं या नहीं। बहुत बहुत वर्ष पहले की बात है, एक राज्य था अंबावती। इस राज्य के राजा थे गंधर्व सेन। राजा गंधर्व सेन भारतीय समाज में फैले ऊंच नीच को नहीं मानते थे। इसी कारण उन्होंने हर वर्ण की स्त्री से विवाह किया। समय के साथ ब्राह्मण कुल की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया ब्रह्मनीत। क्षत्रिय कुल की रानी ने राजा को तीन पुत्र दिए, शंख, विक्रमादित्य और भर्तृहरि। वैश्य कुल की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया चंद्र। और शूद्र कुल की रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया धन्वंतरि। समय के साथ साथ ये बच्चे बड़े होते गए, परंतु जैसे ही वे जवान हुए, उनके जीवन में कई उथल पुथल होने लगी। ब्रह्मनीत की अचानक मृत्यु हो गई। शंख को लगा कि उनके पिता विक्रमादित्य को राजगद्दी पर बिठा देंगे। इस भय से उसने अपने पिता को मार दिया। और स्वयं को उज्जैन का राजा घोषित कर दिया। आज से मैं हूँ उज्जैन का राजा। लगता है ये चारों राज्य छोड़कर भाग गए। सैनिकों, राज्य का कोना कोना छान मारो, ढूंढ निकालो चारों को, और जहां मिले वहीं खत्म कर दो इनको। जाओ।
मार डालो चारों भाइयों को, कोई भी जीवित नहीं बचना चाहिए। सभी इस राज्य के महान ज्योतिषी हैं। पता लगा कर बताओ कहाँ छुपा है वो। इससे पहले कि वो मुझ पर आक्रमण करने की सोचे, मैं उसे मार डालूंगा। दक्षिण दिशा में 500 कोस दूर घने जंगल में छिपा हुआ है। सेनापति, पता लगाओ जंगल के किस कोने में छिपा है ये विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, चलो चलकर सेनापति को खबर देते हैं। ओम कालियाय नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम 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 चामुंडाय नमः। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मत कीजिए चिंता। विक्रमादित्य को तनिक भी शंका नहीं होगी। ओम चामुंडा नमः। जैसा सुंदर और बलवान पुरुष इस जंगल में तप कर रहा है, आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। महात्मन, मैं तप करके अपने मन को शांत और अपने जीवन को अनुशासित कर रहा हूँ। पुत्र, अति सुंदर विचार है, तो आजा मेरे साथ माँ काली के चरणों में झुक कर सच्चे मन से ध्यान कर। माँ काली तुझे शक्ति प्रदान करेगी, तो आजा मेरे पीछे आजा। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। जा बेटा और जाकर झुक जा माँ काली के चरणों में। जा जा बेटा, देर मत कर। ये तांत्रिक बार बार मुझे माँ काली के चरणों में झुकने के लिए क्यों कह रहा है? कहीं इसमें इसकी कोई चाल तो नहीं? ये मेरे लिए नई जगह है, यहां मुझे सावधान रहकर इसे परखना चाहिए। हे महात्मन, क्षमा करें,
परंतु पहली बार मैं माँ काली के मंदिर आया हूँ। कृपा करके मुझे बताएं कि कैसे माँ काली के चरणों में झुककर प्रार्थना की जाती है। शंख पहले से ही काली माँ के मंदिर में छिपा हुआ था। उसे ये समझ नहीं आया कि माँ काली के चरणों में झुका इंसान तांत्रिक है। उसे तो लगा था कि वो विक्रमादित्य है। वो अपने छिपे स्थान से बाहर निकला और बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी तलवार से तांत्रिक पर भरपूर वार किया। तांत्रिक वही ढेर हो गया। ये देखकर शंख चौंक गया। तांत्रिक तो विक्रमादित्य कहाँ है? शंख, मैं यहाँ हूँ। शंख, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। शंख की मौत के बाद विक्रमादित्य उज्जैन के राजा बने। उनका यश एक वीर और दयालु राजा के रूप में चारों दिशा में फैलने लगा। हे राजन, अब मैं आपको बताती हूँ कि राजा विक्रमादित्य को ये सिंहासन कैसे प्राप्त हुआ। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने राज्य के कार्यों को पूरा करके अपनी थकान मिटाने के लिए शिकार करने निकल पड़े। आश्चर्यजनक, इतना सुंदर राजमहल किसका हो सकता है? हे अतिथि, आपका स्वागत है। कौन है आप? मेरा नाम विक्रमादित्य है। मैं उज्जैन का राजा हूं। शिकार करने निकला था कि जंगल में रास्ता भटक गया। आप कौन है महानुभाव? मेरा नाम लुतवरन है और ये महल मेरा है। हे राजन, आप इस समय राजा बाहुबल के राज्य में हैं और मैं राजा बाहुबल का सलाहकार हूं। क्या मुझे इस राज्य के राजा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? महाराज बाहुबल आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। राजन, आपका मेरे इस राज्य में स्वागत है। आप जब तक चाहें मेरे मेहमान बनकर यहाँ रह सकते हैं। धन्यवाद राजन। राजा विक्रमादित्य लुतवरन के राजमहल में ही ठहरे। लुतवरन ने विक्रमादित्य को राजा बाहुबल के दान प्रिय होने के कई किस्से सुनाए। है लुतवरन, महाराज बाहुबल के किस्सों ने हमें बहुत प्रभावित किया है। यहाँ आकर हम धन्य हो गए। राजन, आप एक न्यायप्रिय और शूरवीर राजा हैं। आपको हमारे महाराज से उनका द्वितीय सोने से बना सिंहासन मांगना चाहिए। परंतु मैं उनका सिंहासन क्यों मांगू? राजन, ये कोई साधारण सिंहासन नहीं है। इसे स्वयं इंद्र देवता ने हमारे महाराज को दिया था। इस सिंहासन का नाम है सिंहासन बत्तीसी। आओ मित्र, आसन ग्रहण करो।
महाराज, आपके इस राज्य में रहकर हमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ है, परंतु अब हमें अपने राज्य लौट जाना चाहिए। आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि आप मुझसे विदा लें, मैं आपको कोई उपहार देना चाहता हूँ। अगर आप हमें कोई भेंट देना ही चाहते हैं, तो हमें अपना सिंहासन बत्तीसी भेंट कर दीजिए। किसी और राजा ने मुझसे ये मांगा होता तो मैं क्षमा मांग लेता, परंतु आप उन सभी राजाओं से सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर कोई इस सिंहासन पर बैठने के लायक है तो वो आप। हे विक्रमादित्य, मैं आपको यह सिंहासन भेंट करता हूं। राजन, अब तक हमने आपके दान प्रिय होने के किस्से ही सुने थे, परंतु आज हमने देख लिया कि आप सही मायने में इस धरती के सर्वश्रेष्ठ राजा हैं। विक्रमादित्य की ख्याति दिन दुनी रात चौगुनी पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचने लगी। दूर दूर से कई राजा इस अद्भुत सिंहासन को देखने महाराज विक्रमादित्य के दरबार में पधारे, और फिर उन सब के सामने महाराज विक्रमादित्य ने एक घोषणा की। हे उज्जैन वासियों, आज इस खुशी के मौके पर हम एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाना चाहते हैं, और इस यज्ञ के दौरान हम 150,000 गाय दान करने की घोषणा करते हैं। महाराज विक्रमादित्य हे राजा भोज, महाराज विक्रमादित्य के जीवन की ये कहानी सुनकर क्या आप कह सकते हैं कि आपको भी अपना ये राज्य विक्रमादित्य की तरह अपने शत्रुओं को हरा कर मिला है? क्या आपने भी कभी महाराज विक्रमादित्य की तरह इतनी मात्रा में गाय या कोई भी सामग्री दान की है? अगर नहीं, तो आप इस सिंहासन से दूर ही रहिए, क्योंकि ये सिंहासन किसी साधारण राजा के लिए नहीं है। सुना आपने, आपने किसी साधारण साधारण राजा के लिए नहीं है, किसी साधारण साधारण राजा के लिए नहीं है। आदित्य की ये कहानी सुनने के बाद आज मैं उनके सामने कितना तुच्छ, कितना छोटा लग रहा हूं। मैं सिंहासन पर बैठना चाहता हूं, नहीं, मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। इस सिंहासन बत्तीसी से ऐसी कोई चमत्कारी शक्ति है जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है? यह सत्य है कि मैं महाराज विक्रमादित्य जैसा नहीं, परंतु मैं भी एक राजा हूं। मेरा भी यश चारों दिशाओं में फैला है। मैं भी उस सिंहासन पर बैठ सकता हूं। मैं सुबह ही उस सिंहासन पर जाकर बैठूंगा और देखता हूं मुझे कौन रोकेगा। मैं बैठूंगा प्यारे सिंहासन पर, फिर न्याय करूंगा झटपट। कौन हो तुम? मेरा नाम चित्रलेखा है। चित्रलेखा? कल मैंने तुम्हें भी देखा है, अब किनारे खड़े रहो। इस सिंहासन पर बैठने की इतनी भी क्या जल्दी है?
पहले महाराजा विक्रमादित्य की ये कथा तो सुन लो। आज तुम्हारी कोई भी कहानी मुझे सिंहासन पर बैठने से नहीं रोक सकती। सुनाओ। राजन ये ले, मैं तेरे लिए एक अद्भुत फल लाया हूँ। है मुनिवर, कहिए इस अद्भुत फल के बदले हम आपको क्या दे सकते हैं? चले आओ मेरे साथ और मेरी मदद करो। उस पेड़ पर एक शौ लटक रहा है जिसका नाम बेताल है। जाओ और उस बेताल को मेरे पास लेकर आओ। बेताल, तू चाहे कितना भी हमें डरा ले मगर हम तुझसे डरने वाले नहीं। जानता हूँ, एक दिन मैंने सोचा कोशिश करने में क्या बुराई है। तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, कहानी सुनाने के बाद मैं तुमसे एक सवाल करूँगा। बेताल महाराजा विक्रमादित्य को कहानी सुनाने लगा और कहानी सुनाने के बाद उसने महाराजा से एक प्रश्न पूछा। महाराजा विक्रमादित्य जैसे बुद्धिमान राजा के लिए कोई भी प्रश्न कठिन नहीं था। उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया और वो बेताल उसे वापस पेड़ पर जा लगा। हम भी देखते हैं बेताल, तू हमसे कब तक बचेगा। और इस तरह महाराज विक्रमादित्य ने 24 बार उस बेताल को पेड़ से उतारा। जब 25वीं बार विक्रमादित्य उसे कंधे पर लटका कर ले जा रहे थे तब उसने राजा से कहा, राजा जिस योगी के लिए तू मुझे ले जा रहा है ना, वो महाद्भुत और कपटी है। आज उसकी साधना का अंतिम दिन है। जब तू मुझे उसके पास लेकर जाएगा तो वह तुझे देवी के चरणों में झुकने को कहेगा। और जैसे ही तू सर झुकाएगा वो तलवार से तेरी गर्दन काट कर देवी के चरणों में चढ़ा देगा। वो हमारी बलि क्यों चाहिए? क्योंकि सिद्धि के लिए उसे तेरी बलि की आवश्यकता है। क्या तुम उस अद्भुत योगी को मारने में हमारी मदद करोगे? क्यों नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, समझा? राजन, आज देवी माँ मुझसे अवश्य प्रसन्न होगी। तू भी देवी माँ के चरणों में सर झुकाकर उनका आशीर्वाद ले। झुक जा माँ के चरणों में। योगीराज, हम आपके सामने अज्ञानी हैं। क्या आप एक बार स्वयं करके बताएंगे? बहुत ही आसान है, ये देखो। देवी प्रसन्न हुई और तुझे आशीर्वाद के रूप में एक नहीं दो दो विशेष सेवक देती हूँ जो तेरी रक्षा करेंगे। ये दोनों ही बेताल हैं। जैसे ही तू इन दोनों को याद करेगा ये तेरे सामने प्रकट हो जाएंगे।
धन्यवाद माते। अब बताओ राजा भोज। आज फिर मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सका। मैं कल फिर आऊंगा। देखता हूँ कल कौन मुझे रोकता है। मैं सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ। मैं कल इसी तरह दो दिन और बीत गए, लेकिन दोनों दिन राजा भोज को कहानी सुनने के बाद लौटना पड़ा। फिर पांचवें दिन महाराज के दरबार का एक पंडित सुबह सुबह एक खुशखबरी के साथ महाराज को उठाने उनके कमरे में पहुंचा। महाराज, महाराज उठिए, महाराज उठिए। क्या हुआ? महाराज, आज मैंने आपकी कुंडली देखी है और उसमें लिखा है कि आज आपका कार्य अवश्य सफल होगा महाराज। तो चलो। राजा भोज, ओ राजा भोज, मेरा नाम स्वागत मैं करती हूँ। मैंने राजा विक्रमादित्य को इसी सिंहासन पर बैठकर एक ऐसा उपकार भरा दान देते देखा है जिसका उदाहरण आने वाले युग में भी कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, हम भी तो सुने, लेकिन याद रखो, अगर हमने उससे भी बड़ा दान किया होगा तो आज हमें इस सिंहासन पर बैठने से कोई नहीं रोकेगा। ये वादा करो तुम। हाँ हाँ, ये मेरा वादा रहा राजन। तो सुनिए, महाराज आप तुला लग्न में एक महल का निर्माण करवाइए। ये महल आपके लिए, बुरी प्रजा के लिए धन प्राप्ति का कारण बनेगा। अपनी प्रजा के खुशहाली के लिए हम ये महल अवश्य बनवाएंगे। सुंदर, अति सुंदर महाराज, इतना सुंदर महल बनवाया है। अगर इस महल का मालिक मैं होता तो मेरा भी जीवन सफल हो जाता। चलते कुत्ते, आज मांगना खाना, यही नारियल तुम्हारे सर पर फोड़ दूंगी। भगवान, गरम पानी की तरह उबल क्यों रही हो? जिस महल को बनाने की सलाह मैंने राजा विक्रमादित्य को दी थी वही महल उन्होंने मुझे दान में दे दिया। हाँ? सच्ची? सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची। बहुत अच्छा, कूदो कूदो, मैं कूद रहा हूँ, तुम भी कूदो, कितना मजा आ रहा है। रुकिए जी, अभी आती हूँ। अरे कहाँ चले गए जी आप? मैं यहाँ हूँ ऊपर। अरे तुम ऊपर कैसे पहुँच गए? तुम्हारी जैसी पत्नी रही तो इससे भी ऊपर चला जाऊंगा, सीधे भगवान के पास।
हे ब्राह्मण जागो, तुम्हारा भाग्य जाग रहा है। भगवान, देखो ये क्या है? ओफो, क्या है जी? शांति से सोने भी नहीं। मैं लक्ष्मी हूँ और यहाँ तुम्हारे भाग्य से आई हूँ। हे ब्राह्मण, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? इस तरह छिपो मत ब्राह्मण, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। महाराज, महाराज, आप अपना ये महल वापस ले लीजिए, आपके उस महल में भूत है। भूत? हाँ महाराज, वो रात को आकर मुझे और मेरी पत्नी को डराती है। महाराज, आप अपना ये महल वापस ले लीजिए। लेकिन हम दिया हुआ दान वापस नहीं लेते, ये धर और हमारी नीति के विरुद्ध है। आप राजा है, विद्वान है, कुछ भी तोड़ निकालिए, लेकिन अब मैं उस महल में नहीं रहूंगा। हम बस एक शर्त पर अपना महल वापस ले सकते हैं, उसके बदले में तुम्हें उस महल की कीमत लेनी होगी। जैसी आपकी मर्जी महाराज। मंत्री जी, इस ब्राह्मण को उस महल की कीमत देकर विदा कीजिए और कल से हम अपना राज दरबार उस नए महल में लगाएंगे। उस दिन के बाद राजा विक्रमादित्य ने नए महल में अपना राज दरबार लगाया और रात को उसी शयन कक्ष में सो गए। हे राजन, जागो, मैं तुम्हारे भाग्य से यहाँ आई हूँ। हे देवी, कौन है आप? मैं लक्ष्मी हूँ। धन्य भाग हमारे जो आपने हमें दर्शन दिया। इस महल को मैं हीरे मोतियों से भर दूँ। आप अगर धन की वर्षा करना ही चाहती हैं, तो हमारे इस कमरे को छोड़कर पूरे महल में और जहाँ जहाँ इस राज्य के नागरिक रहते हैं, वहाँ वहाँ धन की वर्षा कर दीजिए, ताकि फिर हमारे इस राज्य में कोई भी गरीब ना हो। तथास्तु। अरे सोने के सिक्के, अरे बारिश हो रही है। अरे ये तो सोने के सिक्कों की बारिश हो रही है। अरे उठो, अरे उठो, अरे उठो, अरे उठो, अरे उठो, अरे उठो। सोने के सिक्के कहाँ से आए? रुको, सब लोग मेरी बात सुनो। अरे ये सारा धन हमारे राजा की संपत्ति है, इसे हाथ भी मत लगाओ, समझे? हाँ हाँ भाई, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है भाई। महाराज, महाराज, कल रात एक अद्भुत चमत्कार हुआ है, पूरे राज्य में धन की वर्षा हुई है। नगर में घोषणा करवा दीजिए कि जिसके हिस्से में जो धन गिरा है वो ही उसका मालिक है, और इस राजमहल में हुए धन वर्षा को देवी लक्ष्मी का वरदान मानकर राज्य के कोष में जमा करवा दीजिए। इस धन को हम राज्य की उन्नति में लगाएंगे। अब आप सच्चे मन से बताइए, क्या आप भी महाराज विक्रमादित्य की तरह अपने प्रजा के हिस्से में आया सारा धन उन्हें सौंप देते? अगर हाँ तो आप आगे बढ़िए, नहीं तो उल्टे पाप लौट जाए। मैंने महाराजा विक्रमादित्य की तरह कोई काम क्यों नहीं किया? क्या मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा? मैं सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ। तो बहुत ही बढ़िया कहानी।
महाराज विक्रमादित्य एक महान राजा थे। क्या अगले दिन भी राजा भोज सिंहासन पर बैठने पहुँचे? हाँ, और अगली पुत्री की कहानी भी कम नहीं थी। तो क्या राजा भोज अगले दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाए? ठीक कहा तुमने चिरैया बहन। हमारे महाराज को लगने लगा कि सिंहासन पर बैठने का उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा, और फिर एक एक दिन करते करते नौवा दिन भी आ गया। कहाँ पढ़ रहे हो राजा भोज? तुम लोग मुझे इस सिंहासन पर बैठने क्यों नहीं दे रहे? हमने आपको कहाँ रोका है राजन? लेकिन पहले ये तो बताइए, क्या आपने कभी अतिथि सत्कार किया है? बहुत किए हैं। इस बार तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने भी अतिथि सत्कार बहुत किए हैं। हाँ। क्या आपका अतिथि सत्कार विक्रमादित्य के अतिथि सत्कार से बड़ा था? हाँ हाँ। पहले राजा विक्रमादित्य के द्वारा किए गए अतिथि सत्कार की कहानी तो सुन लो। सुनाओ सुनाओ, हम भी तो सुने। है बेतालो, सामने आओ। ये महाराज, आपने नहा लिया हो तो आपके लिए विदेशी नाश्ते का प्रबंध करूं। हम नहा नहीं रहे हैं, हम उन तीनों की जान बचाने के लिए नदी में कूदे हैं। जाओ, तुम दोनों उस स्त्री और उस बच्चे को बचाओ। महाराज, कौन है ये तीनों? इनके बदन से ऐसी बदबू आ रही है कि हम दोनों हवा में ही बेहोश होने वाले थे। हम भी नहीं जानते। अब हमारे लिए क्या आदेश है महाराज? तुम लोग जा सकते हो। धन्यवाद महाराज। कौन है आप लोग? महाराज, मेरा नाम विप्रदास है, ये मेरी पत्नी और ये मेरा बेटा है। महाराज, हम लोग बहुत गरीब हैं। अपनी गरीबी से तंग आकर ही हमने सोचा कि इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दे। अरे उठो, आज से तुम तीनों हमारे राजमहल में रहोगे, हमारे खास मेहमान बनकर। ए, तुम लोग मेहमान हो तो मेहमान की तरह रहो। ये तुम्हारी सड़ी हुई झोपड़ी नहीं, महाराज तो राजमहल है, राजमहल, समझे तुम लोग? हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। अरे रोज सुबह यहाँ आकर जो गहरी सांस लेने का आनंद आता है ना, वो कहीं और नहीं आता। हाँ भाई, चलो दोनों मिलकर गहरी सांस लेते हैं। हाँ, एक दो तीन। इतनी गंदी बास, लगता है बास अंदर से आ रही है, जाओ पता करके आओ। महाराज के तीनों मेहमानों ने जहाँ जहाँ मन किया वहीं वहीं अपना पेट साफ किया। अरे ची 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 ची, और वे लोग वहाँ अंदर घूम रहे हैं। अरे जैसे किसी गुलाब के बगीचे।
पिताजी देख क्या रहे हो, टूट पड़ो खाने पर, करो हमला। ए लड़के, ये खाना हम सभी के लिए है। अरे ले ना, तू भी खा। महाराज, महाराज, अब तक मेरी शादी मेरी ये हालत कर दी, मेरे ऊपर खिचड़ी से गर्म पतीला उड़ेल दिया महाराज, मेरा पूरा चेहरा जला दिया, अब कौन लड़की मुझसे शादी करेगी। उनकी आदत इतने बड़े महल में रहने की नहीं है, जल्द ही वो लोग इस महल के तौर तरीके सीख जाएंगे। महाराज, ये हमारे तौर तरीके क्या सीखेंगे, हम अपने तौर तरीके भूल जाएंगे। क्षमा करें महाराज, परंतु अब हम आपके मेहमानों की देखभाल नहीं कर सकते, जा रहे हैं हम। हमारे नौकर उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो हम स्वयं उनकी सेवा करेंगे। नहलाओ नहलाओ मुझे, ताकि मेरे बदन की सारी गंदगी साफ हो जाए। आप गरीब ब्राह्मण विप्रदास नहीं? नहीं, मेरा नाम वरुण है, वो देखो। महाराज चारों ओर देखिए, हमने आपके महल में जितनी गंदगी की थी सब हीरे मोती बन गए। क्योंकि ये तो कभी गंदगी थे ही नहीं। हाँ राजन, मैं तो अपने परिवार के साथ आपके धैर्य और अतिथि सत्कार की परीक्षा लेने आया था। और आप हमारी इस परीक्षा में सफल हुए। पिताजी, जब मैं किसी परीक्षा में सफल होता हूँ तो आप मुझे वरदान देते हैं ना, आज इन्हें भी वरदान दे दीजिए ना। क्यों नहीं राजन, आपके राज्य उज्जैन में तीन तीन फसलें लहराएंगी और यहाँ कभी सूखा नहीं पड़ेगा। क्या कभी कोई विप्रदास आपके महल में आया है? क्या आपका अतिथि सत्कार विक्रमादित्य के अतिथि सत्कार से बड़ा था? अगर नहीं तो लौट जाइए वापस, आप इस सिंहासन बत्तीसी पर बैठने के लायक नहीं है, लौट जाइए। मैं सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ, मैं सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ। उनकी बेचैनी दिन पर दिन बढ़ने लगी, उनका मन और किसी भी काम में नहीं लगता था। हे भगवान, अगर सोता रहा तो सिंहासन हाथ से चला जाएगा, चलो मैं जल्दी। हे भगवान, मैं रोज सिंहासन पर बैठने आता हूँ, परंतु पुतली की गाथा सुनकर मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगता हूँ, मेरी सहायता कीजिए। आज जो पुतली गाथा सुनाए, काश वो कार्य मैंने किया हो। ठहरो राजा भोज, मेरा नाम मदन मालती है, इस सिंहासन पर बैठने के लिए इतने उतावले मत हो, ये राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। परंतु अब तो ये हमारा है। आपका है, परंतु आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि इस पर वही बैठ सकता है जो महान दानी, प्रजापालक और पराक्रमी होगा। हम भी दानी, प्रजापालक और पराक्रमी हैं। हाँ हैं, लेकिन राजा विक्रमादित्य की तरह नहीं। ऐसा क्या किया था उन्होंने जो मैंने नहीं किया है? पहले मैं आपको विक्रमादित्य की एक गाथा सुनाती हूँ, फिर आपको स्वयं पता चल जाएगा। ठीक है सुनाओ। बहुत अच्छे लगते हैं।
के लिए थोड़े ही ना लाए हैं इतना दूर। हम दोनों भाई मिलकर तुम सारे बच्चों की बलि चढ़ाएंगे, बलि। अरे बच्चा लोग, यहाँ कौन आएगा तुम सबको बचाने? हैरो, राक्षसों तुम इन बच्चों को छोड़ दो। इन मासूम बच्चों को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? हमारी शक्ति और बढ़ जाएगी। लेकिन विक्रमादित्य कभी ऐसा अन्याय नहीं होने देगा। आए तो तू है विक्रमादित्य, तू हमें रोकेगा? हे राक्षस गण, इन बच्चों को छोड़ दो और इनके बदले मेरी बलि चढ़ा दो। यह भी ठीक है, हमें बलि चढ़ाने से मतलब, फिर चाहे वो बच्चों की हो या बड़ों की। कष्टक, विक्रमादित्य के हाथ पांव बांध दो और इसकी आंखों पर पट्टी भी बांध दो। रुको, पहले इन बच्चों को इनके आश्रम छोड़ कर आओ। ठीक है कष्टक, जाओ इन बच्चों को जहां से लाए थे वहीं छोड़ाओ। जय मां काली। तुमसे बुद्धू महामूर्ख राजा हमने आज तक नहीं देखा, जो पराए बच्चों के लिए अपनी बलि दे रहा हो। जो हमारे राज्य का है वो हमारा अपना है, फिर चाहे वो कोई भी हो, उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हे देवी माँ, हमारे इस राज्य की रक्षा करना। आप धन्य है राजा विक्रमादित्य, जो आपने अपनी प्रजा के लिए अपना सिर बलि वेदी पर रख दिया। ठंडी हवा के तेज झोंके से महाराज विक्रमादित्य की आंखें खुलती है और वे देखते हैं कि उनके सामने देवराज इंद्र और पवनदेव खड़े हैं। देवराज इंद्र, आप यहाँ? हम इस बात की परीक्षा लेने आए हैं कि तुम केवल सांसारिक उपयोग की चीजें ही दान में दे सकते हो या समय आने पर अपने प्राणों को भी न्योछावर कर सकते हो, और इस परीक्षा में तुम सफल हुए। धन्यवाद प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो। हे राजा, क्या आपने कभी अपनी प्रजा के लिए प्राणों की बाजी लगाई है? क्या कभी देवता आपकी परीक्षा लेने आए हैं? अगर ऐसा है तो आप इस सिंहासन के योग्य है अथवा नहीं? नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कोई देवता आए और मेरी परीक्षा लें। देवी, भूलूंगा तो नहीं, मैं आऊंगा, मैं कल फिर आऊंगा, मैं कल फिर आऊंगा देवी। जब राजा भोज ने देखा कि वे सिंहासन पर नहीं बैठ पा रहे तो अगले दिन वे जा पहुंचे एक मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने। हे शंकर भगवान, मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं सिंहासन बत्तीसी पर बैठ सकूं। महाराज की जय हो। महाराज शीघ्र चलिए, सिंहासन बत्तीसी आपका इंतजार कर रहा है। चलिए मंत्री जी। देवी, इंसान की इच्छा इतनी जल्दी नहीं मरती। जब तक मैं सिंहासन पर बैठ नहीं जाता तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा।
पहले मेरी कहानी तो सुनिए। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई कहानी न सुनाए और मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं? हाँ हाँ, कहानी तो आपको सुननी ही पड़ेगी, वरना सिंहासन पर कैसे बैठेंगे? तो तुम बाज नहीं आओगी देवी? ठीक है, तुम भी सुनाओ, शायद आज मेरी किस्मत का ताला खुल जाए और आज मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं। एक दिन विक्रमादित्य जंगल में शिकार करने गए। ये हिरण हमसे बच नहीं सकता। विक्रमादित्य उस हिरण का पीछा करते करते दूर निकल गए। तभी उनकी नजर एक युवक पर पड़ी जो पेड़ पर फांसी लगाकर झूल रहा था। अरे ये क्या, फांसी का फंदा गले से निकालो, नहीं तो हम तुम्हें आत्महत्या के अपराध में दंड देंगे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो मुझे, तुम कौन होते हो मुझे दंड देने वाले? हम इस राज्य के राजा विक्रमादित्य हैं। महाराज आप? हाँ, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, तुरंत नीचे उतरो। लज्जा नहीं आती आत्महत्या करते हुए? जानते हो, आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की आत्मा सदैव भटकती रहती है। कौन हो तुम और आत्महत्या क्यों कर रहे थे? महाराज, मेरा नाम वसु है, मैं कालिंजर का राजकुमार हूँ। कुछ समय पहले मैं एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था। वहां मैंने सुंदरता में अप्सराओं को भी मात देने वाली एक सुंदरी देखी। मैं उस सुंदरी पर मोहित हो गया और जब उस सुंदरी के पास मैं प्रणय निवेदन लेकर गया तो वो हंस पड़ी। अच्छा जी, तो तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? हाँ सुंदरी, लेकिन तुम हंस क्यों रही हो? ज्योतिषी ने कहा मेरा विवाह उसी व्यक्ति से हो सकता है जो खोलते कड़ाए में कूदकर सकुशल बाहर निकल आए। हे राजन, अगर ऐसा ना हुआ तो आपकी पुत्री का पति उसी रात प्राण त्याग देगा। आप अपनी इस पुत्री को किसी ऋषि को पालन पोषण के लिए सौंप दीजिए। मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूँ। ले चलो मुझे उन ऋषि महाराज के पास। ये इतने सारे नरकंकाल किसके हैं? ये सब भी मेरी पुत्री से विवाह करने आए थे, परंतु इस खोलते हुए कढ़ाए से वापस नहीं निकल पाए। इतने सारे नरकंकाल देखकर मेरी हिम्मत टूट गई और मैं वहां से निराश होकर लौट आया। उसकी याद में मेरी नींद, मेरा चैन सब छिन गया। मैं स्वयं से लड़ते लड़ते थक गया हूं, इसलिए आज मरने का फैसला कर लिया। राजकुमारी से विवाह की शर्त तो वाकई कठिन है। वसु, तुम उसे भूल जाओ। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता महाराज। यदि मैंने उससे विवाह नहीं किया तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। तुम भी एक छोटे बालक की तरह हट करते हो। अच्छा ठीक है, अब रो मत। हमें उस ऋषि के पास ले चलो, हम वचन देते हैं कि हम तुम्हारे विवाह कराने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, यह युवक राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, आप इसका विवाह राजकुमारी के साथ कर दीजिए। हे पुरुष, तुम कौन हो इसकी तरफ से बोलने वाले? मान्यवर, हम इस राज्य के राजा महाराज विक्रमादित्य हैं। महाशय, इस युवक की तरफ से हम उस खोलते कढ़े में कूदने के लिए तैयार हैं। राजन आप? जय मां काली। अरे भगवान, इनका ये हाल कैसे हुआ?
किसने किया है ये यार? भैया आप जल्दी इन्हें अमृत पिलाओ। लो महाराज जीवन से भरे दो बूंद। हैं? महाराज विक्रमादित्य की जय। महाराज विक्रमादित्य की जय। राजा विक्रमादित्य युवक का विवाह उस राजकुमारी से करा देते हैं। युवक एक राजकुमार था। उसके राज्य में विद्रोह हो जाने के कारण उसके परिवार को षड्यंत्रकारियों ने मार डाला था। विक्रमादित्य उन सभी को मारकर उस युवक का राज्याभिषेक करके उसे वहाँ का राजा घोषित कर देते हैं। उन्होंने एक महान कार्य किया था। यदि तुमने कभी किसी के लिए ऐसा त्याग किया है तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, नहीं तो लौट जाओ। खौलते तेल में कूदना तो दूर, मैं तो उसके पास भी न जाऊं। आज भी भाग्य ने साथ नहीं दिया, अब तो बस एक ही उपाय बचा है। अब मुझे कल की प्रतीक्षा करनी होगी, शायद कल का सूरज मेरे लिए कोई खुशखबरी लाए। उल्टे ये तो अचानक खुश हो गए। खुश हो गए? वो क्यों? क्योंकि अचानक ही उन्हें एक ऐसी बात सूझी जिसने उन्हें खुश कर दिया। अब तो उन्हें लगने लगा कि आज नहीं तो कल वे सिंहासन पर जरूर बैठेंगे। ऐसी कौन सी बात सूझी राजा भोज को कि वे खुश हो गए? आओ देखते हैं। ला 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 ला। आई आई आजा। आई आई आजा। इस बार तो पक्का आएगी, और अगर नहीं आई तो मैं दौड़ कर सिंहासन पर बैठ जाऊंगा। तब से बुला रहा हूँ तो नहीं आई, जैसे ही मैंने सिंहासन पर बैठने की बात की तुरंत चली आई। क्या करूँ, अब मानती ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम लोग मुझे कल भी लौटा देना, लेकिन उसके बाद क्या करोगी? कल भी नहीं बैठ पाया तो परसों मुझे इस सिंहासन पर बैठने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस सिंहासन में तो सिर्फ 32 पुतलियां हैं और तुम तो 31वीं पुतली हो। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। राजा भोज, आज तो आप दिन में भी सपने देखने लगे हैं। क्या मतलब? जब इस सिंहासन पर महाराज विक्रमादित्य के पुत्र नहीं बैठ पाए तो आपको लगता है कि आप बैठ पाओगे? क्या, कैसा बाप था जो अपने बेटे को भी सिंहासन पर बैठने नहीं दिया? राजा भोज, मेरा नाम कौशल्या है और जो कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी उससे आपको पता चल जाएगा कि इस सिंहासन पर महाराज विक्रमादित्य के अलावा कोई क्यों नहीं बैठ सकता। ठीक है सुनाओ। बैतालों, हमारे सामने आओ। प्रणाम महाराज। कहिए, इतनी रात गए कैसे याद किया? हमें तुम दोनों की जरूरत। जरूरत में ही आप हमें बुलाते हैं, मुमकिन काम खुद करके नामुमकिन काम हमसे करवाते हैं। वाह 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 वाह। अब ये तुकबंदी छोड़ो और हमें वहाँ उस भवन तक पहुँचा दो। तो आइए सरकार, क्यों खड़े हैं बेकार? एक बार फिर वाह।
वाह वाह बस महाराज, इसके आगे हम नहीं जा सकते। क्यों? ये कोई मामूली भवन नहीं, एक योगी का घर है और उसने अपने घर के चारों ओर तांत्रिक घेरा बना रखा है। अंदर वही जा सकता है जिसने योगी से भी ज्यादा पुण्य किए हो। और आप तो जानते ही हैं कि हम कितने शरीफ हैं। ठीक, हम अकेले ही अंदर जाएं। कोई भी है उसे अंदर आने दो, उसका पुण्य मेरे पुण्य से कहीं ज्यादा है। हम राजा विक्रमादित्य। आपको अपने सामने देखकर मैं धन्य हो गया राजन। बोलिए क्या चाहिए आपको? ये अद्भुत भवन और यहाँ की सारी सुख सुविधाएं हमें दे दीजिए। दिया राजन। धन्यवाद योगीराज। विक्रमादित्य तो खुद इस संसार का सबसे बड़ा दानी है। वो जानता है कि वो मरने वाला है, इसीलिए वो तो खुद एक कुटिया में रहकर अपने बचे हुए दिनों को भगवान की याद में बिता रहा होगा। अब मैं क्या करूं गुरुदेव? तू एक ब्राह्मण के वेश में उनके पास जा और रहने के लिए उनसे वो भवन मांग ले। कुटिया में रहने वाले महलों के राजा, मेरे लिए भी कुछ रहने का इंतजाम कर। ब्राह्मण देव, आप जहां जी चाहे जगह चुन लीजिए। मुझे आपका ज्योतिपुंज वाला भवन चाहिए। आपको वेश बदलने की जरूरत नहीं योगीराज, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। जाइए योगीराज, संभालिए अपने भवन को। धन्यवाद राजन। तो ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य, क्या आप भी ऐसा कर सकते थे? मैं और ऐसी बेवकूफी कभी नहीं। अब आगे सुनिए राजन। क्योंकि महाराज विक्रमादित्य ने इंसान के रूप में जन्म लिया, उन्हें मौत तो आनी ही थी, और एक दिन वे अपने शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक चले गए। इस राज्य को अब एक नए महाराज की जरूरत है और इसके लिए महाराज के सबसे बड़े बेटे जैतपाल को ही राजगद्दी पर बैठाया जाए। महाराज जैतपाल की जय। महाराज जैतपाल की जय। यह सिंहासन देवताओं का है और इस पर वही बैठ सकता है जिसमें देवताओं के गुण। तुम इस सिंहासन को जमीन में गड़वा दो और इस नगर को छोड़कर अंबावती नगर में अपनी नई राजधानी बनाओ। राजा भोज, जब
जब जयपाल महाराज विक्रमादित्य का बेटा होकर इस सिंहासन पर बैठ नहीं पाया, तो आप इस पर बैठने का सपना कैसे देख रहे हैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं हंसू या रोऊं। जयपाल को तो इस पर बैठकर चक्कर आया, मुझे तो अब इस सिंहासन को देख देख कर ही चक्कर आ रहा है। अब तो मैं सिंहासन पर सपने में भी नहीं बैठ पाऊंगा, नहीं बैठ पाऊंगा मैं। जाइए राजा भोज, कोई नया सपना देखिए। सपना? सपना देखने लायक छोड़ा ही कहा है आपने? जाइए देवी और हमें कुछ सोचने दीजिए, जाइए। चिरैया बहन, 31वीं पुतली की कहानी सुनने के बाद तो उनका मन सिंहासन बत्तीसी से बिल्कुल ही हट गया। लेकिन अभी तो 32वीं पुतली बाकी है, क्या वे अगले दिन सिंहासन के पास नहीं गए? गए, लेकिन उन्होंने वहाँ जाने से पहले सिंहासन बत्तीसी को लेकर एक बहुत ही अहम फैसला कर लिया था। कैसा फैसला? खुद ही सुन लो। इतने दिनों तक इस सिंहासन पर बैठने की कोशिश के बाद आज मैंने फैसला किया है कि मैं इस सिंहासन पर बैठने लायक नहीं हूँ, इसलिए अब मैंने इस सिंहासन पर बैठने का जिद छोड़ दिया है। अगर ये बात आपको पहले ही पता चल जाती तो आपके इतने दिन बर्बाद नहीं होते महाराज। हाँ, लेकिन इसमें भी जरूर कोई राज है। तो अब इस सिंहासन का क्या किया जाए महाराज? इसे वहीं दबा दिया जाए जहाँ से इसे निकाला गया था, लेकिन उससे पहले मैं ये खबर 32वीं पुतली को दे दूँ। चलो। की 32वीं पुतली रूपमती हूँ और इन सभी पुतलियों की रानी भी। मैं देख रही हूँ कि आज पहली बार आपको इस सिंहासन पर बैठने की जल्दी नहीं। जल्दी क्या और देरी क्या, मुझे तो अब इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब से मैं सिंहासन पर बैठने की कोशिश कर रहा हूँ तब से कोई न कोई पुतली आकर महाराज विक्रमादित्य की कहानी सुना रही है, और मुझ में तो महाराज विक्रमादित्य जैसा एक भी गुण नहीं। इसका मतलब आप अभी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे? हाँ, और आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ कि इस सिंहासन को मैंने वहीं दबा देने का फैसला किया है जहाँ से मुझे ये मिला था। आप लोग मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हैं? राजन, आपके इस फैसले से आज हम सब अपने श्राप से आजाद हो गई हैं। कैसा श्राप देवी? हम 32 पुतलियाँ स्वर्गलोक की अप्सराएं हैं। एक दिन हम सभी देवी पार्वती की सेवा कर रही थी कि तभी वहाँ भगवान शिव आ गए। उनमें इतना तेज था कि हम सब का ध्यान उनकी तरफ चला गया, वे भी हमारी तरफ देख रहे थे। आहा।
और जब देवी पार्वती ने हम सभी को इस तरह भगवान शिव की तरफ देखते पाया तो उन्हें गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने हम सभी को श्राप दे दिया। जाओ जाओ और इंद्र के सिंहासन की 32 पुतलियां बन जाओ और उनके सिंहासन की शोभा बढ़ाओ। देवी हमें माफ कर दीजिए, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। देवी हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, माफ कर दीजिए। क्षमा देवी क्षमा, हमें अपने श्राप से आजाद कर दीजिए। इसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। देवराज इंद्र अपना सिंहासन राजा बाहुबल को भेंट करेंगे और राजा बाहुबल वो सिंहासन राजा विक्रमादित्य को भेंट करेंगे। उसके कई सौ वर्षों बाद राजा भोज को ये सिंहासन मिलेगा और वे उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश करेंगे और तभी एक एक करके तुम सभी राजा भोज को विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी कहानियां सुनाओगे। अगर राजा भोज ने तुम सभी की कहानी सुन ली तो तुम सब मेरे श्राप से आजाद हो जाओगे। राजन हमें इस श्राप से आजाद कराने के लिए हम सभी आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। राजन अब हम चलते हैं। हे देवियों, आप सभी ने मुझे इस सिंहासन पर तो बैठने नहीं दिया, जाते जाते कम से कम कुछ तो देती जाइए। ठीक है राजन, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि जब तक महाराज विक्रमादित्य का नाम इस दुनिया में रहेगा तब तक उनके साथ साथ आपका भी नाम लिया जाएगा। धन्यवाद देवियों, चलिए सिंहासन ना सही नाम तो मिला, अब आपके जाने के बाद इस सिंहासन का क्या होगा? हमारे जाने के बाद इस सिंहासन की शक्ति खत्म हो जाएगी और ये एकदम से पुराना हो जाएगा। अब हमें आज्ञा दीजिए राजन और हम जाते जाते आपके राज्य की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। जाइए देवियों, ईश्वर आप लोगों का भी भला करे। मंत्री जी, हमारे राज्य के सारे विद्वानों और संतों को बुलाया जाए और उन सभी के सामने इस सिंहासन को उसी जगह दबा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। तो चुरैया बहन कैसी लगी सिंहासन बत्तीसी की कहानी? बहुत ही बढ़िया पीर भैया, और इस कहानी से मुझे भी बहुत बड़ी सीख मिली। और वो सीख क्या है चुरैया बहन? अगर हमें कोई चीज मिल जाए इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके लायक हैं। सिर्फ ताज पहनने से ही मैं रानी नहीं बन जाती, पहले मुझे ताज पहनने के लायक बनना होगा। वाह क्या बात कही है चिरैया बहन। संसार का कोई भी राजा महाराज विक्रमादित्य की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकता है, जैसे मैंने सीखा है, और वो काम मैं आज ही करने वाली हूँ। अच्छा कौन सा काम चिरैया बहन? मैं इस हीरे की अंगूठी को ले जाकर एक गरीब की झोली में डाल दूंगी ताकि वो इसे बेचकर अपनी गरीबी दूर कर सके। वाह ये तो बहुत ही बढ़िया विचार है चिरैया बहन। हाँ हाँ चिरैया बहन, ये तो बहुत ही बढ़िया विचार है, बहुत ही अच्छा विचार है, सचमुच बहुत ही अच्छा विचार।
For more movies, subscribe to Movie Mania channel. We'll be right back.